राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में इन दिनों कोरोना वायरस ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। इस वक्त देश में कोविड के एक्टिव केस 35,000 से ज्यादा हो गए हैं। सोमवार को देश भर में कोरोना के कुल 5,880 नए मामले मिले। अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 4-4 और गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1-1 मरीज की मौत हुई है। लखनऊ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 61 नए मरीज मिले। इनमें सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इस हफ्ते देश में कोरोना मामलों में 79% उछाल देखा गया, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब कोरोना उन राज्यों में भी फैल रहा है जहां पिछले सप्ताह केस कम थे। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस सप्ताह कोविड से 68 मौतें हुई, जो पिछले सप्ताह 41 थी। इस सप्ताह सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए। केरल में हफ्ते भर में 11,296 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 2.4 गुना ज्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,587, दिल्ली में 3,896, हरियाणा में 2,140 और गुजरात में 2,030 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के सोमवार को कुल 484 नए केस सामने आए। इस दौरान संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं राजधानी में कोविड संक्रमण दर बढ़कर 26% के पार हो गई है। मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने पर पता चला है कि 98% मरीजों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं सरकार ने लोगों से भीड़भाड़ इलाकों में सावधानी बरतने का अनुरोध किया है।